हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया है, आपका यहाँ पर टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और मैं वीडियो शुरू होने का पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये वैकेंसी अप्रेंटिसिप के लिए निकल के आ रहा है। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहने वाला है। डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू जाकर वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्या उसके लिए यहाँ पे आपका प्लेस रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है, साथ में जानेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, स्टाइपेंड भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का अंत तक आप जोड़ देखिएगा। उसका पहले चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जोड़ प्रेस कर लीजिएगा। 9 मई 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, लेकिन अभी अभी जो है आपके पास समय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होने वाला है, जो कि 20 मई 2022 को यहाँ पे होने वाला है। 20 आपका टोटल इसमें सीट निकाला गया। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ डिप्लोमा के लिए सीट है, साथ में बीबीटेक के लिए है। तो बीबीटेक में ब्रांच आप देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं बीबीटेक में। साथ में इसमें आप सीट देख सकते हैं, किसी किसी में आपका 9 सीट सबसे अधिक आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरह से आप यहाँ पे उसके सामने सीट आपको शो हो रहा होगा, इसमें एक सीट है, 2 सीट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और 2 सीट आपका यहाँ पे आईटी में। इस तरह से सीट यहाँ पे दिया गया है। एक कंडीशन है कि इसमें 2019, 2020 और 2021 के ही पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2019 के पहले वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा में बात करें, डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीट दिया गया है, 2019, 2020 और 2021 के ही पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो स्टाइपेंड यहाँ पे आप देख लीजिए कि 12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा बीबीटेक के लिए। डिप्लोमा के लिए 10,000 आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। जो भी ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं उस आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपके पास बीबीटेक या डिप्लोमा से है तो डिप्लोमा का आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बात करें आपका 20 तारीख का आपका एंट्री, उसके बाद बात करें आपका वॉक इन इंटरव्यू डेट और टाइम का, तो इसमें आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे 20 मई 2022 को ही आपका इंटरव्यू रहने वाला है। सुबह 10 बजे से आपका शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको नहीं रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई आपको कहीं नहीं करना है, केवल आपको जाकर वॉक इन इंटरव्यू जो है अटेंड करना पड़ेगा। जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना पड़ेगा और एक अच्छा सा सीवी जो है, एक रिज्यूम अपना तैयार कर लीजिएगा, उसे आप प्रिंट करा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप वहाँ पर चले जाइएगा। कहाँ पर जाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहीं पे आपको ये यहाँ पे एड्रेस जो है, ये एड्रेस को आप गूगल मैप वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा, यानी कि गुवाहाटी में आपको जाना पड़ेगा। जो इसके आसपास के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाके आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी कोई क्वारी जो होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं TRCC का यहाँ पर आपका साइन भी दिया गया है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसिप के लिए आपका अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप जाके वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर, और साथ में स्टाइपेंड आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो है कराया ही जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।